अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो जी, आज की जो वीडियो है ये व्लॉग नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे ड्रेसिंग टेबल से रिलेटेड है और थोड़ी सी वीडियो जो है वो लंबी है। एक्चुअली मैंने हर चीज़ जो है आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में दिखाई है, फाउंडेशन, हाईलाइटर, ब्रॉन्जर्स, ब्लशेस और मेकअप पैलेट, सिंगल आई शेडोज, क्रीम आई शेडोज, मतलब मेकअप से रिलेटेड जो भी सामान होता है सब दिखाऊंगी बहुत ज़्यादा डिटेल से। अच्छा जी, ये जो कैंडल है ये मेरी बहुत ही प्यारी फ्रेंड है, हमारे नेबर में रहती है, उसने मुझे गिफ्ट की थी और आज ये मैं फर्स्ट टाइम ऑन कर रही हूँ। बहुत अच्छी इसकी मज़ेदार सी जो है वो फ्रेग्रेंस है। मुझे अपनी ड्रेसिंग टेबल को बहुत ज़्यादा बना सवार के रखना अच्छा लगता है और सबसे अच्छी जो चीज़ मुझे लगती है कि वेल ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, हर चीज़ जो है वो बिल्कुल सामने होनी चाहिए, हाथ की रेंज में होनी चाहिए। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस कॉर्नर से। तो यहाँ पर सबसे कॉर्नर में मैंने अपने सारे जो मेकअप के ब्रशेस हैं वो रखे हुए हैं और जिसमें कि ज़्यादातर मेरे फेस, आईज, हर किस्म के मतलब जो ब्रशेस हैं वो वहाँ पे हैं। और उसके बिल्कुल साथ ही ये जो ब्रश होल्डर है इसमें सारी मेरी आई प्रोडक्ट्स हैं, जंबो पेंसिल से होती हैं, ब्लैक कलर में हैं, हाइलाइटर हैं, अंडर आई हाइलाइटर हैं, आईब्रो हाइलाइटर्स हैं और मुझे मेकअप में ये सब कुछ करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आईज़ में मैं काफ़ी टाइम देती हूँ और इसके अलावा यहाँ पर सारी वाइट स्किन गोल्ड कलर की पेंसिल हैं जिनको आप अंडर आई और आईज़ के अंदर भी जो है हाईलाइट कर सकती हैं। और इसके बिल्कुल साथ ही में जो है ये मेरी सारी ब्लैक कलर की पेंसिल्स हैं जो मेरी फेवरेट है, वो दिखाती हूँ। ये है जी एल ए कलर की आई पेंसिल, बहुत अच्छी है और ये मैबेलिन का मास्टर प्राइम है, विंड आईलाइनर लगाना हो तो बेस्ट है। मैक की जो पेंसिल है ये मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है और इसके अलावा ये पाकिस्तान से है, क्लासिक ब्यूटी की, और ये चारों जो हैं स्वेट प्रूफ हैं। इसके अलावा यहाँ पर लॉरियल की भी है, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो भी स्वेट प्रूफ है और बहुत अच्छा मेकअप इनसे जो है रिजल्ट्स आते हैं। उसके बाद आ जाते हैं इसके बिल्कुल सामने, मैंने यहाँ पर फ्रंट पर ही सारे मेरे कंसीलर्स रखे हुए हैं और इस बॉक्स में सारे मेरे हाइलाइटर्स हैं जो लिक्विड हाइलाइटर्स होते हैं वो, और जो कंसीलर्स हैं स्टिक कंसीलर, स्टिक साइमिन, वो सारी हैं। और गर्ल्स, कंसीलर आप लोग ज़रूर यूज़ किया करें, बिल्कुल इससे मतलब एक डिफरेंट आपकी जो लुक है वो क्रिएट हो जाती है। तो खैर जी, यहाँ पर मैंने रखी हैं और कुछ एक लिपस्टिक्स जो कि दूसरे साइड पर फिट नहीं हो रही थी तो मैंने यहाँ रख दी शेड, उसके मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ये बहुत प्यारा आई शेडो है जैसे कि स्टीला का होता है लिक्विड आई शेडोज। और उसके साथ ही जो थे ये सारे मेबेलिन के सिंगल आई शेडोज़ हैं, मेबेलिन के सिंगल आई शेडोज़ या कोई से भी सिंगल आई शेडोज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो खैर, मेबेलिन के जो हैं इनका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है और मेरे यूज़ में भी आते हैं और मुझे ज़्यादा ईजी लगता है। पूरा पैलेट निकालो और उससे मेकअप करने से बजाय आप सिंगल एक आई शेडो निकालें और आप अपनी कोई सी भी आई लुक जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। बहुत अच्छे फन कलर्स हैं इनके, जो कलरफुल ये वाले जो शेड हैं, आई मीन पिंक, ब्लू और इसके साथ ये जो पेस्टल सा कलर है ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आईज़ पर। मैं इससे बहुत प्यारी प्यारी लुक बट सिंपल वे में जो हूँ क्रिएट करती हूँ और मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। इसके अलावा लॉरियल के भी जो हैं सिंगल आई शेडोज़, वो भी मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो जी, ये हो गया मेरे ब्रशेस के आगे वाली साइड। अब आ जाते हैं यहाँ लिपस्टिक्स पर। लिपस्टिक्स जो हैं मेरी वो सारी मैंने यहाँ पर अपने टॉप पर रखी हुई हैं जो सेम एक जैसी थी। एक्चुअली होता ऐसे कि जब आपको कोई एक चीज़ अच्छी लग जाती है उसकी कंसिस्टेंसी अच्छी लगती है। लाइक ये जो मैट लिपस्टिक्स हैं ये इतनी लाइट वेट हैं और इतनी लाइट वेयर है, मतलब पता ही नहीं चलता आपने अपने लिप्स पर जो है वो कुछ लगाया हुआ है। और इसके शेड्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। और इसके अलावा ये जो एल ए कलर्स की हैं इसमें शी बटर है जो कि आपके आप एज ए लिप बाम भी यूज़ कर सकते हैं। और कितना ही अच्छा हो कि अगर हमें लिप बाम के जैसे कोई लिपस्टिक्स जो हैं वो मिल जाएं, तो इसलिए मैंने इसके सारे ही जो शेड्स हैं वो बाय कर लिए थे। इसके अलावा ये वेट एंड वाइल्ड की हैं जो कि बहुत अच्छी हैं, लिप पर लगकर मैट हो जाती हैं, लॉन्ग लास्टिंग है। और ये जो बिल्कुल स्टार्ट में आपको आगे नज़र आ रही हैं ये भी वेट एंड वाइल्ड की हैं और इसमें भी जो है वो शी बटर है जो कि आपके लिप्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, नुकसान नहीं देता। और उसके बिल्कुल साथ ही में यहाँ पर मेरी हैं जी लिप पेंसिल्स, लिप जंबो पेंसिल्स, और उसके साथ ही ये हैं कुछ कलर्ड पेंसिल्स जिससे कि आप अपने आईलाइनर, एज ए आईलाइनर इसको मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ और मेरा फेवरेट कलर ब्लू, ग्रीन, पेस्टल, पर्पल, ये सारे शेड्स जो हैं मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। अच्छा, इन कलर्ड पेंसिल्स को आप आई शेडो बेस के अलावा एज ए आईलाइनर भी यूज़ कर सकते हैं और अंडर आई एज ए काजल भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। और उसके साथ हैं जी ये मेरी कुछ जंबो पेंसिल्स हैं, लिप पेंसिल्स, और उसके साथ कुछ आउटलाइंस हैं
जो कि डिफरेंट कलर्स में है, लाइट, डार्क, रेड, ब्राउन, सारे ही जो कलर्स हैं आपको यहाँ पर मिलेंगे। काफ़ी सारे, सारे तो नहीं कह सकते, बट जो मेरे फेवरेट हैं या जो मेरे यूज़ में ज़्यादा आते हैं वो सब, यानी कि ये पूरा रैक जो है ये मेरी लिप पेंसिल्स का और आई पेंसिल्स का है। अब आ जाते हैं जी फाउंडेशन की तरफ। तो फाउंडेशन जो है ये मैंने स्ट्रे में अपनी सारी फाउंडेशन जो हैं वो फिल करके रखी हुई हैं। अगर ड्रॉ में हो फिर समझ ही नहीं आती है कौन सी निकालें कौन सी लगाएं, बिल्कुल सामने चीज़ें होना फिर ईजी रहता है। ऑप्शंस अगर आपके पास ज़्यादा हों तो उनको डिस्प्ले में रखें ताकि आपको पता हो कि मैं क्या चीज़ यूज़ करूँ। और मैं कुछ वैसे भी इस तरह की बंदी हूँ, जो चीज़ सामने होगी मेरे यूज़ में ज़्यादा होगी, जो ड्रॉ में होगी वो मेरे यूज़ में कम होगी। खैर अभी आपके साथ ड्रॉ भी जो हूँ अपनी सारी मैं वो भी शेयर करती हूँ कि वहाँ पर मैंने क्या कुछ है वो छुपा के रखा हुआ है, और बाकी कुछ जो मेरी ज़्यादा फेवरेट चीज़ें और ज़्यादा यूज़ में आने वाली चीज़ें होती हैं वो सारी मुझे पर्सनली अच्छा लगता है कि बिल्कुल मैं डिस्प्ले में रखूँ। तो जी ये थी जी सारी मेरी फाउंडेशंस की कलेक्शन। और अब आ जाते हैं प्राइमर्स की तरफ। तो प्राइमर आप लोग फाउंडेशन से पहले ज़रूर अप्लाई किया करें, बहुत बड़ी रेंज तो नहीं है लेकिन फिर भी जो इनमें सबसे मेरा फेवरेट है वो ये है, बहुत अच्छा मैट है और आप इसको समर में भी यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट 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 है जी ये फेस प्राइमर। और ये रही जी बस सारी कलेक्शन जो कि बिल्कुल लिपस्टिक्स के आगे ही है। जी मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट आई शेडो पैलेट जो कि है टू फेस्ड का, बहुत अच्छे लाइट एंड डार्क का जो कम्बिनेशन है, हाइलाइटर भी है इसमें और ब्रॉन्जर भी है और ब्लश भी है। और ये है मेरा ब्रॉन्जर पैलेट जिसको आप एज ए ब्रॉन्जर यूज़ कर सकते हैं, और उसके साथ ही है एक लाइट एंड डार्क से लाइट एंड डार्क कलर्स का पैलेट जिसमें कुछ शिमर शेडोज़ हैं, कुछ जो है मैट है, ये जो है कम्प्लीटली मैट है। और कभी कभी जब आपका कोई मैट लुक क्रिएट करने का दिल करे तो आप इसको यूज़ कर लें। और ये चारों जो पैलेट है ये मेरे ड्रेसिंग टेबल के बिल्कुल टॉप पर रहते हैं। अब आ जाते हैं जी अपने मैक पैलेट की तरफ। इसके जो ब्रॉन्जर और जो ब्लशेस हैं बहुत बेस्ट हैं। इसके अलावा इसके जो आई शेडोज़ हैं वो काफ़ी लाइट कलर के हैं, बहुत अच्छा, मतलब लाइट सा और थोड़ा सा ग्लैमरस सा आपने जो लुक क्रिएट करना हो तो ये बेस्ट हैं। एक चीज़ जो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई, इसमें मैट आई शेडो कोई भी नहीं है, सारे जो हैं वो शिमर आई शेडोज़ हैं, बट जो शिमर है वो भी ऐसे ओवर वाले शिमर नहीं है, बहुत ज़्यादा नेचुरल, लाइट, सिंपल, इससे जो आपकी लुक है क्रिएट होती है, बहुत प्रीटी लुक है। ये जो पूरा रैक है ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। यहाँ पर ज़्यादातर जो है लिप मैट क्रीम्स हैं जो कि लिप पर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हैं और पता ही नहीं चलता आपने लिप्स पर जो है कुछ वेयर किया हुआ है। इसके अलावा चंद एक इसमें शाइन वाले लिप ग्लॉस हैं, बाकी जो है ज़्यादातर यहाँ पर आपको मैट जो लिप ग्लॉस हैं वो ही नज़र आएंगे और कुछ मैट लिपस्टिक्स जो स्किन टोन में थी, जो नेचुरल कलर्स में थी, जो कि मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मुझे नेचुरल कलर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये वही डॉलर स्टोर वाले ऑर्गेनाइजर्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए थे। वीडियो नहीं देखी है तो लिंक इस वीडियो के लास्ट में होगा, वो भी ज़रूर देखें। तो यहाँ पर मेरी फेवरेट जो मेडोरा की कुछ लिपस्टिक्स थी और इसके अलावा क्रिस्टाइन की, मतलब ये जो मेरी फेवरेट थी मैंने टॉप पे रखी हैं, बाकी अभी आगे मैं आपको दिखाती हूँ वो हैं। तो ये जी मेडोरा लिपस्टिक्स के बिल्कुल आगे जो मैंने ऑर्गेनाइज़र रखा है ये है, इसमें मेबेलिन की लिपस्टिक्स हैं और कुछ फ्लॉर्मर एक पाकिस्तानी ब्रांड है, मे भी पाकिस्तानी है या पता नहीं कहाँ का है, लेकिन उसकी जो लिपस्टिक्स हैं मुझे बहुत ज़्यादा उसके कुछ शेड्स पसंद हैं। तो जिस शॉप से मैंने बाय की थी उसके पास जस्ट इसके 6 शेड्स ही थे तो मैंने 6 जो हैं वो बाय कर लिए थे। ये मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट थी। तो अभी जब मैं रिसेंटली पाकिस्तान गई थी तो मैंने इसका एक और जो शेड है वो बाय कर लिया था कि इनकेस ये जब भी ख़त्म होगी तो मेरे पास ये शेड जो है बिल्कुल ख़त्म नहीं होना चाहिए, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। और आप देखें बहुत अच्छा लग रहा है, ये डॉलर स्टोर के ऑर्गेनाइज़र में सारी जो मेरी लिपस्टिक्स हैं वो बहुत अच्छी फिट हो गई हैं। तो मतलब आप इसको एज ए लिपस्टिक होल्डर भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे डॉलर स्टोर से आपको लिपस्टिक होल्डर्स भी जो हैं वो मिल जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर सारी जो मेरी फेवरेट लिपस्टिक्स थी मैंने सामने रखी हुई हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और अब आ जाते हैं जी यहाँ पर इसके बिल्कुल लिपस्टिक्स के साथ ही में जो है यहाँ पर मैंने अपनी सारी स्किन केयर की रूटीन की जो चीज़ें हैं वो रखी हुई हैं। लाइक ज़्यादातर यहाँ पर आपको सनस्क्रीन नज़र आएंगी, सन ब्लॉक्स नज़र आएंगे, हैंड क्रीम्स और फेस क्रीम्स, और ये बायो ऑयल बहुत ज़्यादा अच्छा है, मेरा फेवरेट है, हैंड क्रीम। और इसके अलावा स्टूडियो फिक्स जो फेस मिस्ट होता है वो है, और इसके अलावा 24K सीरम है और मेकअप फिक्स है। इस तरह की मतलब सारी जो चीज़ें हैं वो मैंने इस ट्रे में, इस रैक में रखी हुई हैं। और ये जो एक आपको छोटी सी ड्रॉ नज़र आ रही है इसमें मैंने अपने आईब्रो जो आईब्रो जेल्स होती हैं, आईब्रो मस्कारास होते हैं वो, और बाकी जो मस्कारास हैं वो कुछ रखे हुए हैं जो कि मेरे
पास बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि ड्राई हो जाते हैं, लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और ये जो छोटी सी ड्रॉ है ये मुझे बहुत टाइनी सी बहुत पसंद है। यहाँ पर मैंने ऊपर वाली ड्रॉ में अपनी सारी हेयर पिंस रखी हैं, नीचे वाली में सारी सेफ्टी पिंस, और हमेशा ये मेरे हाथ की रेंज में लाजमी होनी चाहिए। अब आ जाते हैं मेरे फेवरेट 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 क्रीम आई शेडोज। आई एम अ बिग 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 फैन ऑफ क्रीम आई शेडोज, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये जो इनफेलिबल आई शेडोज हैं, उफ माई गॉड, मैं कहती हूँ ये इतने मेरे फेवरेट हैं, इतना इससे मज़े का मेकअप होता है, इतनी प्यारी प्यारी आपकी जो लुक्स हैं वो क्रिएट होती हैं। तो बस मैंने तो ये एक बाय किया था, जब मैंने इसको यूज़ किया तो मैं जस्ट क्रेजी हो गई और मैं अगले ही दिन गई और मैं जाके सारे इसके जितने भी उनके पास अवेलेबल शेड्स थे वो मैं सारे ही लेके आ गई। बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, बहुत पिगमेंटेड है और इसका जो रिज़ल्ट है लाइक अ हाई एंड पैलेट्स के जैसे रिजल्ट्स होते हैं वो हैं, मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। और मेरे पास सारे ही जो कलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इसके प्रीटी हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और इससे लुक्स जो हैं वो बहुत अच्छी क्रिएट होती हैं, डिसेंट वे में होती हैं, कमाल की जो है इससे मेकअप होता है। तो मैं समझती हूँ कि हर लड़की की ड्रेसिंग टेबल पर इनफेलिबल आई शेडोज ज़रूर 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 होने चाहिए। और इसके अलावा मेरे पास मेबेलिन के कलर टैटूज भी हैं, बट उनकी बजाय अगर आप ये ख़रीदें तो ज़्यादा अच्छी बात है क्योंकि वो कुछ टाइम के बाद जो हैं थोड़े थोड़े से ड्राई होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखें थोड़े थोड़े से ड्राई हो गए थे, तो मैंने इनको स्मच किया है फिंगर के साथ, तो ये दोबारा से जो है वो सेट हो गए। खैर ये भी बहुत अच्छे हैं, इसका ये जो गोल्ड कलर है रोज़ गोल्ड कलर, उफ माई गॉड एंड है बहुत अच्छा। मतलब इससे जब आप अपनी आई लुक क्रिएट करते हैं तो एक डिफरेंट सी ही जो लुक है वो आती है। इसके अलावा ये ब्राइट गोल्ड है, ब्रॉन्जर ब्रॉन्जी जो शेड्स हैं वो इनके बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। कवर गर्ल के भी आई थिंक इसी तरह के सेम टैटूज हैं, बट मुझे पर्सनली मेबेलिन के जो हैं वो ज़्यादा पसंद हैं और जो दूसरे हैं वो मैंने यूज़ नहीं किए तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। खैर क्रीम आई शेडोज जो हैं बहुत अच्छी और एक डिफरेंट जो लुक है इनसे क्रिएट होती है। तो आप अपने ड्रेसिंग टेबल पर कुछ चंद एक जो भी आपका फेवरेट है, सारी नहीं लें, एक दो ले लें जो आपके ज़्यादा जो है फेवरेट है। और ये मेरी बिल्कुल सामने ही एक ट्रे है, मैंने उसमें ये सब जो है वो रखे हुए हैं और इस तरह से इसको मैं ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, सारे शेड्स जो हैं मुझे नज़र आ रहे होते हैं। और उसके साथ ही मैं यहाँ पर कुछ मज़ीद जो लिप बटर क्रीम है जो कि वाकई बटरी फील होता है वो मैंने रखी हुई है। यहाँ पर कुछ जो है मेरे लिप बाम्स है, एक बेटनोवेट मेरे ड्रेसिंग टेबल पर बिल्कुल डिस्प्ले में ज़रूर होनी चाहिए क्योंकि जब भी मैं नाइट में अपनी नाइट क्रीम लगाती हूँ और मुझे फील होता है कि कोई भी पिंपल हो रहा है तो आपने सामने से उठाई और जल्दी से पिंपल पर लगा ली, और मुझे लगता है कि बेटनोवेट जो है वो बेस्ट है पिंपल्स के लिए। और इसके अलावा ये थी जी वेट एंड वाइल्ड की लिप बाम्स। आई एम अ बिग 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 फैन ऑफ लिप बाम, मेरी डेली रूटीन में दिन में पता नहीं कितनी मरतबा मैं लिप बाम यूज़ करती हूँ और ये मुझे बहुत अच्छी, कार्मिक्स जो है मेरा फेवरेट ब्रांड है लिप बाम के लिए, और ये जो है चेरी फ्लेवर में है। सबसे अच्छी बात ये कि इसमें SPF है, जब भी आप धूप में जाएं तो ये वाली जो लिप बाम है ज़रूर लगाएं। और इसके अलावा आप इसको अंडर मेकअप, अगर आप बाहर जा रहे हैं गर्मी में तो आप अंडर मेकअप इसको लिप पर एज ए बाम लगाएं, ऊपर लिपस्टिक लगाएं तो आपकी जो लिपस्टिक है वो भी लिप्स जो हैं वो भी ख़राब नहीं होंगे। और ये जो है इतने यमी हैं, इतना मतलब इसको लगा के आपके लिप्स इतने रिफ्रेशिंग हो जाते हैं, आपको खुद से ही बहुत अच्छी जो फीलिंग है वो आ रही होती है। तो मैंने इसके दो ले लिए थे और ये मेडिकेटेड है जो इसकी सबसे अच्छी बात है, लेकिन लगाने के बाद इसकी जो फ्रेग्रेंस है मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और लिप पर जो है बड़े ही परफेक्ट रहते हैं। तो ये भी जो है जी बिल्कुल मेरे डिस्प्ले में है, जो मेरी बहुत ज़्यादा रूटीन की चीज़ें हैं वो मैंने बिल्कुल अपने डिस्प्ले में रखी हुई हैं। और अच्छा, लिप बाम के साथ ही ये हैं कुछ एल्फ के क्रीम ब्लशेस जो कि काफ़ी अच्छे हैं, नेचुरल रहते हैं, और गर्मी में अगर आप जैसे समर है बाहर जाएं तो कोशिश करें कि इस तरह का ही मेकअप करें। और इसको ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए आप पहले क्रीम ब्लश अप्लाई करें और ऊपर कोई सी भी जो मैट ब्लश होती है, पाउडर ब्लश होती है, आप वो यूज़ कर लें तो ये लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगी और स्वेट प्रूफ भी हो जाएगी। और इसके साथ ही मुझे ब्रॉडवे की जो लिप बाम चेरी ही फ्लेवर में है, मेरा लिप बाम के लिए चेरी फ्लेवर बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और यहाँ बिल्कुल डिस्प्ले में मैंने कंसीलर रखा हुआ है और आई शेडो प्राइमर रखा हुआ है, ब्राउन और ब्लैक काजल रखा हुआ है और एक और काजल है। और ये है नेक्स के बहुत ही प्यारे से दो मैंने आई शेडोज़ ले लिए थे जो बिल्कुल टॉप पे हैं,
क्विक वाला मेकअप करना हो, सिंपल सा आपने उठाया और लगा लिया। और आई शेडो जो प्राइमर है ये मैं आपको बता दूं, अगर आपने कोई मैट मेकअप करना है तो आप ये जो स्किन टोन में है ये वाला आई शेडो प्राइमर अप्लाई करेंगे। और ये जो आपको व्हाइट प्राइमर्स नजर आ रहे हैं तो एक आई शेडो व्हाइट प्राइमर है जिसमें ग्लिटर चंक्स हैं। अगर आपने शिमरी मेकअप करना है, ग्लिटरी मेकअप करना है तो आप ये वाला प्राइमर अप्लाई करेंगे। और अगर आपने किसी शेड को ब्राइटन अप करना है, ज़्यादा ब्राइट करना है, तो अंडर आई जो है आप पहले व्हाइट हाइलाइटर लगाएंगे और सॉरी व्हाइट आई प्राइमर लगाएंगे और उसके ऊपर आप कोई सा भी शेड अप्लाई करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा जो है ब्राइट हो जाएगा। तो बहुत अच्छी और मज़ेदार जो इससे लुक्स हैं वो क्रिएट होती हैं। तो मैंने जब किसी कलर को ब्राइट ब्राइट सा करना होता है तो फिर मैं उसके नीचे अंडर आई जो प्राइमर हूँ वो व्हाइट यूज़ करती हूँ। और ये तीनों ही जो है नेक्स के हैं, बहुत अच्छे प्राइमर्स हैं। अच्छा जी, ड्रेसिंग टेबल के कॉर्नर पर जो ट्रॉली है ये इसका नीचे वाला रैक है जहाँ पर कि मेरी न्यूट्रोजिना हाइड्रो बूस्ट जो कि बहुत अच्छी रहती है गर्मियों में मॉइस्चराइजिंग के लिए और इसमें हाइलुरोनिक एसिड है, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। इसके अलावा ये ग्लूटामैक्स की मैं क्रीम पाकिस्तान से लेके आई थी जो कि मैंने अभी तक बिल्कुल भी यूज़ नहीं की है। और ये है मेरे वो टिन जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किए थे, आपको बनाने भी बताए थे। और एक्वेट ब्यूटी का जो है मेरा लेंस मैं लाजमी वेयर करती हूँ मेकअप के टाइम पे और ये उसका सॉल्यूशन है। इसके अलावा मॉइस्चराइजिंग क्रीम पीछे चली गई है क्योंकि यूज़ में नहीं आती। और ये जो ऊपर वाला रैक है यहाँ पर सारी मेरी हेयर केयर प्रोडक्ट्स और हेयर स्प्रेज हैं, हेयर जेल्स हैं, हेयर सीरम्स हैं, हेयर से रिलेटेड जो सारी चीज़ें हैं वो सारी मैंने यहाँ पर टॉप पर रखी हुई हैं बैग पर। और उसके आगे जो हैं ये सीरम्स हैं जो कि मेरे रूटीन में यूज़ आते हैं, फरसाली का है। इसके अलावा रिवाज यूके की मैंने काफ़ी तारीफ सुनी थी तो इसके मैंने तीनों जो शेड हैं जो तीनों इसके थे, मतलब तीन ही थे तो मैंने तीनों जो हैं वो ले लिए थे। और ये है जो मेरा कॉर्नर वाला साइड जिसको कि मैंने थोड़ा सा फ्लावर्स के साथ जो है वो डेकोरेट किया हुआ है। और इसके अलावा क्यूटेक्स मुझे लगती तो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं लेकिन मैं लगाती बहुत कम हूँ। खैर इस रैक में मैंने कुछ क्यूटेक्स जो हैं वो रखी हुई हैं, बाकी जो यहाँ फिक्स नहीं हो सकी वो यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं मैंने जो है एडजस्ट कर दी हैं। और इसके अलावा ये कुछ पॉपअप कलर जो हैं वो मैं पाकिस्तान से लेके आई थी लेकिन मेरे यूज़ में मैंने बताया कि नहीं आते, बस जब मैं लगाती हूँ तो मेरे दिल में आता है कि नमाज़ पढ़नी है तो मत लगाओ, तो बस ये जो है डिस्प्ले में ही ज़्यादातर रहती हैं, बहुत कम कम ही मेरे यूज़ में जो हैं जी वो आती हैं। तो अब चलते हैं हम अपने ड्रॉ की तरफ। तो ये जो फर्स्ट ड्रॉ है यहाँ पर मेरे सिर्फ और सिर्फ ब्लशेस जो हैं पैलेट्स वो हैं, और इसके अलावा जो ब्रॉन्जर पैलेट्स हैं वो हैं, हाइलाइटर्स हैं, फेस पाउडर्स हैं और कुछ सिंगल जो मेरी ब्लशेस हैं वो मैंने इस तरह से रखी हुई है ऑर्गेनाइज करके कि हर चीज़ जो है आपको नज़र आए। ये है एले कलर की जोजिन, मैंने $1 से ली थी, बहुत अच्छी है। और ये मेरे पास 4 अब इसके शेड्स हो गए हैं। ये सारी ही जो सिंगल आई ब्लशेस हैं बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। और इसके अलावा ये हैं फिजिशियन फार्मूला की, इसकी ब्लशेस भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और इसके जो ब्राउन्जर हैं वो ब्लशेस से भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और ये है जी एल्फ का क्रीम आई शेडो पैलेट, बहुत अच्छा पैलेट है, मतलब इसके जितने भी आई शेडोज हैं वो क्रीम है। और इसके साथ ही में है जी ये क्रीम ब्लशेस, और मुझे मैंने बताया क्रीम मेकअप करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके 2 शेड से, एक मैंने लाइट ले लिया था और एक डार्क ले लिया था, बेस्ट है। और ये हैं एल्फ के कुछ मतलब पैलेट जो कि मेरे ज़्यादा फेवरेट हैं। मैं सिर्फ आपको डिस्प्ले में वो चीज़ें दिखाऊंगी जो मुझे ज़्यादा पसंद हैं, काफ़ी अच्छी हैं, बाकी सारी चीज़ें दिखाऊंगी तो वीडियो ऑलरेडी ही इतनी लंबी हो गई है तो ये सारा दिन जो है वो चलती रहेगी। लेकिन अगर आपको किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट जो है वो DM करें तो मैं जल्दी से पढ़ लूँगी। अच्छा, इन पैलेट की जो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि इनके जो शेड्स हैं ये निकल आते हैं, आप इनको निकाल के और कहीं और दूसरे पैलेट में फिक्स कर लें, ये चीज़ मुझे इनके बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और इसके अलावा ये जो पैलेट है ये पाकिस्तान से मैंने लिया था, अपनी भाभी का मैंने एक दफ़ा यूज़ किया था तो मुझे इतना अच्छा लगा और मैंने उनसे कहा जहाँ से आपने ये लिया है मुझे वहाँ से ये पैलेट जो है वो ख़रीदना है। और ये काफ़ी सस्ता भी था, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 350 या 450, मतलब 500 अंडर 500 जो है मैंने लिया था, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और अच्छा, ये $1 का जो मैंने उस दिन लिया था, आपको बताया था कि इसके ऊपर ब्रॉन्जर लिखा हुआ है, लेकिन ये ब्रॉन्जर नहीं है, ये फेस, इसको मैं एज ए हाईलाइटर यूज़ करती हूँ।
तो बहुत अच्छा है जी, ये मेकअप के बाद आप लगाएं तो बहुत ही मतलब फिनिश इसकी इतनी कमाल की है, बड़ी जो ग्लॉसी सी आपकी स्किन है वो लगती है, बहुत अच्छा है। वैसे इसकी एक्चुअल प्राइस 5 to 6 dollars है, लेकिन डॉलर स्टोर से मुझे $1 का मिला था तो मैंने एक एक्स्ट्रा ले लिया था। और ये है जी क्रिस्टाइन की मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट ब्रॉन्जर पैलेट, इसके 4 शेड्स थे, चौथा जो था जिस शॉप से मैंने लिया था उसके पास अवेलेबल नहीं था, तो इसके ये जो 3 जो पैलेट हैं ये मुझे मिले, तो ये तीनों जो है मैंने ले लिए और ये तीनों बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और इसको मतलब मैं एज ए ब्रॉन्जर तो यूज़ करती हूँ, इसके अलावा अगर आपने स्मोकी आई मेकअप करना है या काजल के साथ अपनी आईलिड को डार्क कलर करना है, अंडर आई डार्क सा एक स्मच करना है और प्यारी सी एक लुक क्रिएट करनी है, तो ये मुझे सबसे बेस्ट लगते हैं। इनको मिक्स करके, इन तीनों को यूज़ करते हुए मैं बहुत अच्छा जो स्मोकी आई मेकअप है वो कर लेती हूँ और मुझे वो बहुत बहुत ज़्यादा लुक पसंद है। और इसके अलावा मेरा फेवरेट ये है कि काजल लगा के और आप इससे उसकी अंडर आई जो अपना मेकअप है वो डन करें तो बहुत प्यारी आपकी आईज लगते हैं। सिंपल आप काजल लगा के और इससे जो है उसको आप अच्छे से ब्लेंड कर लें तो बहुत ही प्यारी सी जो आपकी आई लुक है, सिंपल डिसेंट, और काजल जो है वो फैलेगा भी आपका बिल्कुल भी नहीं, बहुत अच्छा रहा। अब आ जाते हैं अपनी सेकंड ड्रॉ की तरफ, तो यहाँ पर है मेरे सारे छोटे वाले जो पैलेट्स होते हैं वो, और कुछ यहाँ पर मैंने चांदी के लिपस्टिक्स रखे हुए हैं, कुछ बिल्कुल मिनी पैलेट्स हैं, मतलब आई से रिलेटेड जितने भी पैलेट्स होते हैं वो सभी के सभी जो हैं इस ड्रॉ में हैं। और मतलब यहाँ पर आपको सारे जो पैलेट नज़र आएंगे वो एक जैसे तीन तीन चार चार नज़र आएंगे सेम, मतलब जितनी भी फिर उसकी रेंज होती है, जो भी मुझे कोई एक आधी चीज़ अच्छी लग जाती है तो फिर मैं क्या करती हूँ उसके जितने भी शेड्स होते हैं वो सारे जो हूँ बाय कर लेती हूँ। इसके वैसे एक्चुअल 4 शेड्स थे, चौथा जो था वो पर्पल से टोन में था लेकिन उस शॉप पे अवेलेबल नहीं था, 3 थे तो ये मैंने तीनों ले लिए और वो जो एक बेचारा रह गया है वो दोबारा जाके मैंने लेना, मुझे बस नहीं याद ही नहीं रहता है। और इसके अलावा ये हैं जी वेट एंड वाइल्ड के पैलेट्स जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, इसकी जितनी भी रेंज थी मैंने सारी ले ली है, इसके 4 या आई थिंक 5 पैलेट, 4 ही पैलेट थे तो चारों जो हैं मैंने ले लिए हैं। ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, बेस्ट है, पिगमेंटेशन इज सो 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 गुड, बहुत ज़्यादा छोटे से मज़ेदार से पैलेट हैं। इसके अलावा ये हैं जी रिमल के मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट फेवरेट फेवरेट, इसमें मतलब लाइट एंड डार्क का इतना बेस्ट मतलब कम्बिनेशन है, और ये जी नेकेड के जो है ड्यूप्स हैं और इसका रिज़ल्ट जो है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है नेकेड के पैलेट से, जो नेकेड लवर्स हैं वो इतने ज़्यादा पैसे ना खर्चें और अगर ये ले लें तो आपका जो काम है अच्छा खासा चल सकता है। और ये है जी नेकेड 2 या 1 जो पैलेट है उसके उसका ड्यूप है, बहुत बेस्ट इसका रिज़ल्ट है, आप खुद देखें मतलब बहुत अच्छे हैं, इसके सारे जो पैलेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और इसका आई थिंक एक पैलेट पर्पल ही कलर में मुझे नहीं मिला था, और अच्छा यहाँ पर लोग पर्पल शेड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, मेरा जब भी कभी कोई भी पैलेट पूरी मतलब सेट में से मिस होता है तो वो पर्पल ही कलर होता है, और इस टाइम पर भी मैं 2-3 टाइम गई हूँ वो पर्पल पैलेट बाय करने के लिए, उसमें पर्पल टोन में ज़्यादा शेड्स थे तो वो मुझे नहीं मिला है। खैर यहाँ पर ये थी जी हमारी सारी रिमल लंदन की कलेक्शन जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है, मेरे बहुत फेवरेट हैं। अच्छा जी, और अब बारी आ जाती है एल्फ के पैलेट की, तो ये है एल्फ का गोल्ड कलर में पैलेट जो कि अगर आपने कोई गोल्ड लुक क्रिएट करनी है तो ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है, इसमें सारे ही गोल्ड लाइट डार्क हर किस्म के जो गोल्ड हैं लाइट लाइट मतलब टच में वो सारे आपको यहाँ मिलेंगे। इसके अलावा एल्फ का जो है सबसे अच्छी जो मुझे इसकी बात लगती है वो ये लगती है कि इसमें मैट शेड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और मैट एंड शिमर का जो है कम्बिनेशन है, ऐसे पैलेट बहुत बेस्ट रहते हैं जिसमें मैट और शिमर का जो कम्बिनेशन हो वो हो, और बाकी इससे बहुत अच्छी बहुत डिसेंट सी आपकी जो आई लुक है वो क्रिएट होती है, स्मोकी आई के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। इसके अलावा अगर आपने बोल्ड और गोल्ड टच में मेकअप करना है तो वो भी इससे बेस्ट हो जाता है। और इसके अलावा ये हैं मेरे कुछ फेवरेट पैलेट जो कि बिल्कुल न्यूट्रल कलर्स में हैं, और इसमें ज़्यादातर जो हैं वो टाइनी छोटे वाले पैलेट्स हैं जिसमें कि एल्फ क्लिनिक मैक और कलर पॉप ये वाले हैं। ये है जी हमारा एल्फ का जो कि बिल्कुल छोटा सा टाइनी सा है, आप इजीली अपने बैग में कैरी करके भी कहीं लेके जा सकते हैं, बहुत अच्छी आई लुक क्रिएट होती है इससे। आपने पिंक और नेचुरल टोन में कोई मेकअप करना हो तो बेस्ट है, ये क्लिनिक का है बहुत अच्छा है। और इसके अलावा ये है मैक का छोटा पैलेट, इसके साथ भी आप लाइट टू डार्क जैसा भी आई मेकअप करना चाहें दोनों लुक्स जो हैं इससे क्रिएट हो सकती हैं। और ये हैं बिल्कुल न्यूट्रल से कलर में लाइट से कलर में बहुत अच्छा पैलेट है, और ये मेरे हैं जी फेवरेट
पैलेट जितने भी इस ड्रॉ में हैं उनमें से ज़्यादातर फेवरेट, वैसे तो ऑफकोर्स सारे ही मुझे पसंद हैं, मुझे अच्छे लगे हैं तो तभी मैंने बाय किए हैं। और ये कुछ लिपस्टिक्स हैं जो कि बिल्कुल नेचुरल से शेड में हैं, ऊपर फिट नहीं हो रही थी, जगह नहीं थी, तो मैंने यहाँ पर जो है रख दी है। तो ये है जी मेरी कंप्लीट सेंटर वाली ड्रॉ जहाँ पर के छोटे वाले आई शेडो पैलेट्स आपको मिलेंगे। और अब बारी आ जाती है जी थर्ड वाले ड्रॉ की। यहाँ पर भी मैंने अपने छोटे जो पैलेट हैं वेट एंड वाइल्ड के बहुत बेस्ट हैं, जिनमें से ट्रियो हैं और एक और इसके फाइव पेन पैलेट्स आए थे, बहुत ज़्यादा बेस्ट है, सॉरी 4 पेन, ये भी बहुत अच्छे हैं। इनके सारे कलर्स बहुत ज़्यादा प्रीटिंग हैं और ये यहाँ मैंने इस तरह से रखे हैं कि मुझे नज़र आते हैं, जो भी आपका आई लुक क्रिएट करने का मूड हो वो रख दें। इसके अलावा यहाँ पर ये मेरे सिंगल आई शेडोज़ हैं और यहाँ पर कुछ मेरे और पैलेट्स हैं और यहाँ पर कुछ मेरे कंसीलर्स हैं और आई प्राइमर्स हैं। इसके अलावा बैक पर जो है ग्लिटर्स हैं और यहाँ पर कुछ जो ऊपर फिक्स नहीं हुए मेरे लिप ग्लॉसेस वो रखे हुए हैं। तो ये ड्रॉ एक्चुअली ऐसी नहीं होगी, इसको मैं बाद में चेंज कर दूँगी। अभी एक्चुअली जो मेरी नीचे वाली 4 ड्रॉ हैं वो अभी भरी हुई हैं, उनमें भी बहुत सारा मेकअप है, आई लैशेज हैं, तो वो सारी चीज़ें निकाल के इस 3rd ड्रॉ को मैं एक दफ़ा फिर से जो हूँ रीसेट करूँगी। खैर अभी आ जाते हैं इस ड्रॉ में जो मेरे फेवरेट पैलेट हैं जो बहुत बेस्ट हैं वो आपके साथ करती हूँ शेयर। एक ये पैलेट है जो कि बहुत ज़्यादा इसके कलर जो हैं प्रीटी हैं, मैट में है और शिमर में है, शिमर भी ऐसा ओवर वाला शिमर नहीं है, नेचुरल सा है। और एक ये द बाम का, इसके जो आई शेडोज हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, वैसे इसकी जो ब्लशेस हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। इसके अलावा ये भी जो आई शेडो पैलेट है इसके जो शिमर आई शेडोज हैं वो बहुत ज़्यादा गुड हैं और जो मैट हैं वो भी बहुत अच्छा है, मतलब इसके जो कलर्स हैं, इसकी जो पिगमेंटेशन है, इसकी मतलब मैं कितनी तारीफ़ करूँ वो सारी कम है, बहुत अच्छे ये पैलेट है, बहुत प्यारी प्यारी डिसेंट सी इससे जो आई लुक्स हैं आपकी वो होती हैं क्रिएट। तो ये 3 पैलेट थे। तो बस ये यहाँ तक का था मेरा ड्रेसिंग टेबल का टूर। इंशाल्लाह ताला अब मैं आपको किसी व्लॉग में मेरी जो नीचे वाली 4 ड्रॉ हैं उसमें मैं किस तरह से उनको सेट किया है, क्या चीज़ें रखती हूँ वो भी आपके साथ करूँगी शेयर। और अच्छा ये एक मेन चीज़ तो रहेगी, मेरे ड्रेसिंग टेबल के टॉप पर आपको इस तरह के छोटे छोटे टाइनी से जो ज्वेलरी बॉक्सेस हैं वो ज़रूर मिलेंगे जो कि मैं मरी से लेके आई थी। और इसकी जो डिस्प्ले में है, मतलब डिस्प्ले में रखे हुए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और इसके अलावा जब आप कहीं बाहर से टायर्ड हुए हुए आते हैं तो आते साथ आप अपनी ज्वेलरी उतार के उसको दोबारा पैकेट में डाल के और जगह जगह पर रखने का मूड नहीं होता, तो सिंपल आपने अपनी ज्वेलरी उतारी और इन ज्वेलरी बॉक्सेस में रख दी और लिड बंद कर दी, तो इसमें ज्वेलरी आपकी जो है वो ख़राब नहीं होगी, 10-15 दिन आपकी जो ज्वेलरी है वो बिल्कुल ठीक रहेगी। और इसलिए मैंने यहाँ पर अपने टॉप पर जो है ये डिस्प्ले में रखे हुए, अच्छे भी लगते हैं और फायदा भी देते हैं। और बस ये यहाँ तक का ही था मेरा व्लॉग, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छी लगी है वीडियो तो जल्दी से लाइक कर दें इसको और जल्दी से सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें। इंस्टाग्राम पे मुझे जल्दी से फॉलो कर लो, वहाँ पर भी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मैं अपने इसी तरह ही मतलब अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी जो चीज़ों की रिव्यूज़ हैं वो वहाँ पर मैं दूंगी, लेकिन जब मेरे वहाँ पर फॉलोवर्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। और इस ब्लॉग के एंड में, इस वीडियो के लास्ट में जितनी भी स्क्रीन पर वीडियोज़ नज़र आ रही हैं इन सबको भी जल्दी से क्लिक करें, वॉच करें और अब दे दें आप लोग मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह आप लोगों से होगी फिर मुलाकात एक नए ब्लॉग के साथ, एक बहुत अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।